फिर से वही काम, यहाँ पे 2√3 है एंड यहाँ पे 4√3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 × 4√3, 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, √3 × √3 मीन्स ये हमारा 3 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, ठीक है। दैट मीन्स कि 24 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो प्लस और माइनस हो के कितना हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि 8 × 3 अगर हम कर दें तो 24 होता है, ठीक है, 8 − 3 कर दें तो 5 आ जाएगा, जो हम यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 4√3 × x² + 5, की जगह क्या रखना है, 8 − 3 × x − 2√3 = 0, क्लियर। आगे चलो इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा 4√3 × x² + 8 x − 3 x − 2√3 = 0, राइट। अब फिर से हम कॉमन देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इस टर्म में √3 है, इस टर्म में √3 नहीं है, इट मीन्स √3 कॉमन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे 4 है, 8 हमारा 4 × 2 हो जाएगा, तो ऐट मीन्स वहाँ भी 4 है और x है, तो इसका मतलब कि 4x हम कॉमन कर सकते हैं इन दोनों टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, √3 बचेगा और एक x बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3x, और यहाँ पे देखो कि 4x कॉमन चला गया तो सिर्फ 2 बचा, कैसे, 4 × 2 करेंगे 8 होगा, 4 कॉमन चला गया तो सिर्फ 2 बचा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में हमारा प्लस साइन आया है, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, दैट मीन्स कि हमें माइनस साइन कॉमन करना पड़ेगा तभी हम इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फिर से प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई √3 का, सिमिलर जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि √3 यहाँ भी होगा, √3 यहाँ भी होगा, x दोनों टर्म में है नहीं इसलिए हम x कॉमन कर नहीं सकते, एंड 2 दोनों टर्म में नहीं है तो 2 भी कॉमन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से हम √3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ एक √3 बच गया तो ये हो जाएगा √3x और आगे +2 = 0, यहाँ पे माइनस था लेकिन +2 हमने कर दिया क्योंकि हमने माइनस पहले से बाहर कर लिया है, कॉमन कर लिया है, ठीक है। अब फिर से कॉमन देखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे फिर से हमारा कॉमन √3x + 2, बचा क्या हमारे पास, 4x − √3 = 0, क्लियर। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें 0 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली अब हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा x = −2/√3, फिर से वही रेशनलाइज करना है इसको, तो जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x = −2√3/3, राइट। तो पहला इसका जो x का वैल्यू है वो आ गया है, सेकेंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा x = √3/4, ये हमारा दूसरा x का वैल्यू आ गया, क्लियर।